लखीमपुर में दो बहनों की हत्या के सनसनीखेज मामले से पुलिस ने पर्दा उठाते हुए इस हत्याकांड में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित परिवार ने अब इस मामले में सरकार से मुआवजे और कानून के इंसाफ की मांग की। ये युवक लखीमपुर में उन 4 आरोपियों में से एक है जिन्होंने 2 सगी बहनों के साथ न सिर्फ दरिंदगी की बल्कि उनकी लाशों को पेड़ पर लटकाकर पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को एक बार फिर से दांव पर लगा दिया था। लेकिन 24 घंटे पूरे होने से पहले ही पुलिस ने लखीमपुर डबल मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए वारदात में शामिल 4 मुख्य आरोपियों के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 लोग, ये 6 लोग, सभी 6 लोग जो इस घटना में किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व हैं, सभी 6 लोग हमारी हिरासत में और तत्काल जेल भेजे जा रहे हैं। लखीमपुर की 2 नाबालिग बहनों की हत्या के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम छोटू पुत्र चेतराम, जुनैद पुत्र इजराइल, सुहेल पुत्र इस्लामुद्दीन और हफीजुर रहमान पुत्र अजीजुर रहमान है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि गांव के छोटू नाम के युवक के जरिए ही दोनों नाबालिग लड़कियों की बाकी 3 आरोपियों से जान पहचान थी और यही जान पहचान दोनों की मौत की वजह बन गई। दोपहर के समय वो मोटरसाइकिल लेकर के गांव में आए थे ये तीनों लड़के और लड़कियों को बहला के ले गए। इनको पहले खेत में ले गए, वहाँ इनके इच्छा के विरुद्ध इनसे शारीरिक संबंध बनाए। महिलाओं ने उनसे शादी करने की बात कही और वो इस जिद पर अड़ गई कि हमें शादी करनी है। इस बात से शुभ धो के लड़कों ने गला दबा करके उनके कथनानुसार चुन्नी दुपट्टे से गला कस के उसकी हत्या कर दी। वहीं अपनी दोनों बेटियों को गंवाने वाले परिवार ने मदद के लिए सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे रखी हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। कार्रवाई मांग, उनके फांसी की सजा बताई करी जाए और एक लड़का की हमारे नौकरी चाहिए और को सहायता और नवजात और 9-9 लाख रुपया बताओ थे। 9-9 लाख आपकी क्या मांग? हम तो 1 करोड़ मांगे। हालांकि पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार और इस डबल मर्डर से पर्दा भले ही उठा दिया है, लेकिन पीड़ित परिवार को इंसाफ तभी मिलेगा जब लखीमपुर की बेटियों के गुनहगारों को अपने अपराध के लिए सजा मिलेगी। लखीमपुर से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।